हेलो दोस्तों, दिस इज सुधीर शुक्ला। आई एम अ गोल्ड डायरेक्टर इन वेस्टीज राइट नाउ एंड टुडे इज 17th of November 2019 और आज हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। हमारा आज का पहला टॉपिक कवर हो गया है अपीयरेंस का एंड दिस इज अ सेकंड टॉपिक इन्वेस्ट ऑन यू। दोस्तों क्या होता है, आज ये टॉपिक मैंने क्यों कवर किया अपने टीम्स के लिए, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि लोग जो आते हैं वेस्टीज में, जो आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या तो किसी भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको क्या लगता है कि भाई आप काम करो और बाद में पैसे कमाओ, लेकिन उसके लिए जो कुछ सीखना पड़ता है, जो कुछ लर्निंग चाहिए, उसके पर दोस्तों कोई खर्चा नहीं करता है। दोस्तों मेरा क्या मानना है, अगर आपकी इनकम इधर है और आपका नॉलेज इधर है, अगर आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी तो आपका नॉलेज आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा, और दोस्तों यहाँ से यहाँ नॉलेज ले जाने के लिए देयर इज एन इन्वेस्टमेंट ओनली वर्ड्स। क्या होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, कई लोग क्या बोलते हैं, सर आप क्या सीख सकते हैं, वो तो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। दोस्तों जो सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे सिर्फ अधूरा नॉलेज है और अधूरा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो दोस्तों क्या होता है, ये सब नॉलेज हमको कहाँ मिलेगा। कई बार दोस्तों मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग यूट्यूब पे बैठ के कुछ सीख लेते हैं बनाना, कुछ लोग बोलना सीख लेते हैं, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग सीख लेते हैं। तो दोस्तों अगर यूट्यूब इतना पॉपुलर हो गया होता ना, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो आज का सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए होते। हाँ, एवरीथिंग इज ऑन देयर, बट जो कुछ जिसकी जो वैल्यू है वो तो वहीं पर है। तो दोस्तों हमको जो सीखना है वो हमको कहाँ से मिलेगा, हमको सेमिनार से मिल सकता है, हमको ट्रेनिंग से मिल सकता है, हमको वर्कशॉप से मिल सकता है। ये सब क्या होता है दोस्तों, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े नॉलेज वाले हैं, जिनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो लोग क्या करते हैं, पेड इवेंट्स करते हैं। पेड इवेंट्स में लोगों को टिकट्स लेके वहाँ पे जाना पड़ता है, थोड़ा 2-4-5 घंटे देना पड़ता है, कई बार 2-3 घंटे की ट्रेनिंग होती है, और वहाँ पे जाके बहुत सारे 2-3-4 हज़ार लोगों में वो बैठ के एक जैसा एटमोसफेयर रहता है, लोग सीखते हैं वहाँ पे। दोस्तों मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है, लोग बोलते हैं सर पैसे नहीं है। दोस्तों आप लोग मोबाइल पर खर्चा करते हैं, 20-25-30 हज़ार का मोबाइल लेते हैं। दोस्तों लोग अपने कपड़ों पे खर्चा करते हैं, लोग मूवीज देखने पे खर्चा करते हैं, लोग अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह जाने पे खर्चा करते हैं, लोग अननेसेसरी चीज़ों में खर्चा करते हैं। लोगों के पास घरों में मैंने देखा है कि 30-30, 40-40, 70-70 इंच टीवी रखे हुए हैं, लोग कई सारे वेब सीरीज वगैरह परचेज करने के लिए खर्चा करते हैं, कई सारा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए खर्चा करते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है। दोस्तों मैं उसी पे खर्चा करता हूँ जिससे मेरा नॉलेज बढ़े, जिससे मुझे इनकम बढ़ाने में मुझे फायदा हो। दोस्तों लोग अपने खाने पीने पे कई सारा खर्चा करते हैं, लोग अपने फीलिंग्स पे, अपनी जन्मेंद्र पे काफी सारा खर्चा करते हैं, और लोग घूमने फिरने में बहुत सारा खर्चा करते हैं। तो मैं ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है क्योंकि आप खर्चा नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर, दोस्तों आपकी वजह से आपका वजूद है। अगर आपका नॉलेज, आपका लेवल, आपका ये स्किल इतना ऊपर नहीं जाएगा तो आपका वजूद उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो आप आउटफिट, आउटर पे खर्चा कर रहे हो, लेकिन जो ये माइंड है जिससे आपका पूरा लाइफ हिस्ट्री डिसाइडेड है, जिससे आपका पूरा ग्रोथ डिसाइडेड है, उस पर आप खर्चा ही करने को तैयार नहीं हो। दोस्तों मैं नहीं बोलता कि आप जितना ज़्यादा खर्चा करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा शुरू में कर सकते हो। जैसे आप कोई अच्छा पेड ऐप ले सकते हो जिससे अच्छी खासी मोटिवेशनल वीडियोस रहे, नॉलेजेबल वीडियोस रहे, बहुत अच्छा खासा सेमिनार है, पेड इवेंट्स में जा सकते हो, पेड सेमिनार्स ले सकते हो, जो 300-400-500 रुपये टिकट्स होती है, 200 ट्रेनिंग्स होती है, 2 दिन की, 3 दिन की, 1 वीक की। जैसे अभी मेरी ट्रेनिंग थी, जब मैं वेस्टीज में आया तो हमारे उत्तराखंड में ट्रेनिंग थी 3 दिन की, मैं वहाँ पे गया। अभी हमारा लोनावाला में यहाँ पे बूट कैंप था, वहाँ पे मैं गया, 3 दिन का था हमारा, सब रहना खाना होता है। हमारे यहाँ पे सक्सेस सेमिनार होते हैं, 200-300 रुपये की टिकट्स आती है, वो मैं लेता हूँ। कल हमारा हेतल मैडम का पूरा ट्रेनर सेमिनार था, पूरे दिन का, वो 700 रुपीज़ का था, वो मैंने लिया। दोस्तों कई बार हमको लगता है कि जो वो सिखाने वाला हो तो यूट्यूब पे पढ़ा ही है, मुझे भी पता है पढ़ा है, लेकिन दोस्तों जो पर्सनल फेस टू फेस होता है वो उसकी बात अलग होती है। वी कैन आस्क द क्वेश्चंस, वी कैन गेट द क्वेरी सॉल्व, और ऐसे बहुत सारे लोगों के, दूसरों लोगों के सवाल मिलते हैं जो दोस्तों यूट्यूब वीडियोज या फेसबुक वीडियोज में नहीं आपके सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऊपर ऊपर का नॉलेज तो मिलता है, लेकिन अगर आपको किसी डीप लेवल का नॉलेज चाहिए तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों होता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट होता है, जैसे मैं बहुत लकी मानता हूँ खुद को कि आई हैव द कम्युनिकेशन स्किल है ना, मैं इसको इंक्रीज ही करता जा रहा हूँ। आप मेरे पहले के वीडियोज देखो और आप मेरे अभी की वीडियोज देखो, आई हैव ग्रेट एम्फसाइज माई कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे हो, अगर आप बहुत अच्छे मास्टर हो, कोई भी चीज़ आप डिलीवर करते हो,
लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हो लोगों को, आप डिलीवर ही नहीं कर पाते हो, तो देयर इज नो वे। दोस्तों समझो, एक बच्चा है जिसके 90% मार्क्स आते हैं और एक बच्चा है जिसके 60% मार्क्स आते हैं, लेकिन उसके अंदर जो क्वालिटीज है अगर उसको आप डिलीवर ही नहीं कर पाए सामने वाले के पास, तो आपको क्या लगता है जो 90% वाला बंदा है उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, और लेकिन जो 60% वाला बंदा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आई एम श्योर कि जो 60% वाले के सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट्स में लिखिए, और आप अगर हमारी राय से सहमत है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप कोई भी वीडियो के बीच में अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है, आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हो, तो प्लीज पॉज द वीडियो, आप कमेंट में जाइए, कमेंट्स लिखिए, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से, आपके क्वेश्चन से दूसरों को हेल्प मिलती है और मुझे पता चलता है कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए। तो दोस्तों स्किल डेवलपमेंट बहुत सारी हो सकती है, जैसे अभी मुझे पहले YouTube पे वीडियो बनाने नहीं आते थे, मैंने कई सारे लोगों से जाके सीखा कि हाउ टू मेक द प्रोफेशनल वीडियोस ऑन YouTube, कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है, कैसे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, उस टॉपिक से मैंने मास्टरी करी और बुक्स खरीदी, बुक्स पढ़ा। अभी दोस्तों देखिए, दो दिन पहले अभी मैंने ऑर्डर किया था, ये है हमारा OnePlus 7 मोबाइल। अभी कैसा है, मैं काफ़ी सारे वीडियोज आगे बनाने वाला हूँ, मेरे मोबाइल की मेमोरी हमेशा फुल हो जाती है, तो मैंने स्पेशली वीडियोज बनाने के लिए अपना, हमारी जो वेस्टेज की इनकम है उससे मैंने ये मोबाइल मंगाया है। और दोस्तों मैंने अभी कई बार क्या होता है, हम जब वीडियो बनाने के लिए मेरे पास टाइम होता है तो कोई मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बंदा नहीं होता है, तो अभी मैंने स्टैंड मंगाया, स्टैंड अभी यहाँ पर नहीं है, और ये होता है माउंट, माउंट ये होता है आप स्टैंड पर लगा के ऐसे मोबाइल होल्डर कर सकते हो, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आपका मोबाइल लेके खड़ा रहे, जैसे अभी मेरा आकाश भाई खड़े बेचारे का हाथ बहुत दर्द कर रहा होगा। सो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर मुझे YouTube पे वीडियो बनाना है तो आई नीड अ गुड कैमरा और गुड मोबाइल, आई नीड ऑल द एक्सेसरीज जो ज़रूरी है। अगर मैं ये बोलूँ नहीं सर मुझे वीडियो तो बहुत बनाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, आई कांट इन्वेस्ट, तो दोस्तों इंडिया इज़ वेरी रिच कंट्री, आप देखते रहोगे कोई भी पिक्चर आती है 100-200-300 करोड़ का बिजनेस करती है, कोई भी मोबाइल लॉन्च होता है, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, वन प्लस हो गया, ओप्पो वीवो हो गया, बहुत सारा इनका अच्छा सेल होता है। दोस्तों देखिए इंडिया में मारुति भी बिकती है, मर्सिडीज बिकती है, लेकिन लोगों को उसकी उस चीज़ की वैल्यू पता नहीं होती कई बार। तो दोस्तों ये सब तो आउटडोर चीज़ें हैं, समझ में आता है, ये सारी मेरे पास जो बुक्स पड़ी है, ये मेरा जो ऑफिस है, मैंने इन सब पे इन्वेस्ट किया हुआ है, आई हैव इन्वेस्टेड ऑन एवरीथिंग। जब मैं वेस्टीज में आया तो मेरे पास फॉर्मल कपड़े नहीं थे, मैंने पूरा फॉर्मल कपड़ों पर इन्वेस्ट किया, क्योंकि आई वॉज एन एक्टर इन प्रीवियस डेज, मेरे पास सारे फंकी कपड़े होते थे, मैंने अपने पूरे आउटफिट्स पे इन्वेस्ट किया, मैंने शूज लिए फॉर्मल्स, मैंने ये जो व्हाइट बोर्ड आप वीडियो देख रहे हो इस पे इन्वेस्ट किया है मैंने। अब यहाँ पे जो सारी चीज़ें देख रहे हो दीज आर इन्वेस्टमेंट, ये मैं किसी को बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जो अगर आपको ट्रेनिंग देने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं टॉपिक्स नहीं लिखूंगा, व्हाइट बोर्ड नहीं रहेगा, तो आपको समझेगा कैसे कि मेरा, मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा ये बोलना है कि आपको हर चीज पे इन्वेस्ट करना है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कारगर साबित हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज आ सकती है, कम्युनिकेशन स्किल आ सकती है, लीडरशिप स्किल आ सकती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ सकता है, अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है तो उसका आ सकता है। आपको जो टॉपिक्स करना है उस टॉपिक पहले आपको मास्टरी लेनी पड़ेगी, तो आप टॉपिक अगर लोगों के पास लेके जाओगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके वीडियोज देखेंगे, आपको लोगों का बहुत सारा प्यार मिलेगा। उसके बाद होता है लर्निंग द कोर्सेज। अब कई सारे कोर्सेज दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है कि हाउ टू बिकम मास्टर इन सो एंड सो, अगर आपको इंस्टाग्राम पे मास्टर बनना है तो इंस्टाग्राम के हैं, अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग में जाना है तो उसके लिए लोग हैं, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है देयर इज अ कोर्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडस्ट्री, और दोस्तों बहुत ही अच्छा है। एक मैं जिसको फॉलो करता हूँ उनका बहुत अच्छा है, हिज नेम इज पुष्कर राज ठाकुर, इज माई वन ऑफ द फेवरेट, उनके बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में हैं और बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं जो आप उनका वीडियोस ले सकते हो। दोस्तों मैं वेस्टिज में काम करता हूँ लेकिन मैं सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की इज्जत करता हूँ। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, माई नंबर इज 9823626493। वैसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ऑलरेडी रहता है, आप मुझे कभी भी फोन करके, मैसेज करके क्वेरीज पूछ सकते हो, आई ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। मैं फेसबुक पे कंटिन्यू आते रहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव हूँ, तो आप वहां पे आ सकते हैं। तो दोस्तों आप, देयर इज अ कोर्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, देयर इज अ कोर्स ऑन एवरीथिंग, आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है, आपको पेड ब्रॉडकास्टिंग करना है, आपको डिजिटल मार्केटर बनना है, आपको सोशल मीडिया मार्केटर बनना है, देयर आर लॉट्स ऑफ अर्निंग सोर्सेज, लेकिन आपको उसके पहले
इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन दीज कोर्सेस. दीज आर लर्निंग कोर्सेस. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल एंड यूट्यूब एंड फेसबुक. आप जाके ढूंढ सकते हो. जो भी अच्छा ट्रेनर हो आप उससे ट्रेनिंग ले सकते हो. मैं कोई नाम रिकमेंड नहीं करूंगा अभी. उसके बाद होता है दोस्तों टूल्स. आपको टूल्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना है. जैसे मैंने बताया दिस इज टूल्स, ये दिस इज टूल्स, दिस इज ऑल्सो टूल्स. और बहुत सारे यहाँ पे जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, जो मॉनिटर है, जो प्रिंटर है, आपको जो चीज आगे बढ़ाने में काम आती है एवरीथिंग इज टूल. आप टूल्स पे इन्वेस्ट कीजिए. और अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको पैसा रिटर्न मिलेगा. दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, स्पेंड लाइक अ बेगर, इन्वेस्ट लाइक अ किंग. इसका मतलब बताता हूँ. लेकिन दोस्तों लोग उल्टा करते हैं. इन्वेस्ट लाइक अ बेगर मतलब अगर आप खर्चा करते हो तो आप गरीबों की तरह खर्चा करो, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप एकदम अमीरों की तरह खर्चा करो. जितना पैसा आपके ऊपर लगा दीजिए. दोस्तों मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ. मैं ज्यादा बहुत हाई फाई, बहुत महंगी चीजें नहीं यूज करता हूँ. हाँ ब्रांडेड यूज करता हूँ नो डाउट, बट उसमें भी एक क्लास है. लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी दिखाने के लिए यूज करूँ. लेकिन हाँ जहां बात आती है इन्वेस्ट करने की, मैं पीछे नहीं हटता दोस्तों. यही हालत, यही एक चीज है जो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ले आई है. जो मेरे साथ इतने सारे लोग बहुत जल्दी ज्वाइन हो गए हैं, बहुत जल्दी मेरे साथ बिजनेस करके ग्रो कर रहे हैं, उसमें एक चीज है कि आई इन्वेस्ट लाइक अ किंग. लेकिन दोस्तों यहाँ गलत होता है. लोग अपने पे तो बहुत सारा खर्चा कर सकते हैं, खर्चा कर देते हैं मोबाइल पे, कपड़ों पे, टी मूवीज देखने पे, घरों में जो एक्सेसरीज यूजलेस चीजें घरों में सब पे खर्चा कर देते हैं. लेकिन जब इन्वेस्ट करने की बात आती है खुद के ऊपर, खुद की लर्निंग बढ़ाने की बात आती है, डेवलपमेंट बढ़ाने की बात आती है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने की बात आती है, नॉलेज बढ़ाने की बात आती है, तो दे डोंट स्पेंड. उनको लगता है यार ये खर्चा है. दोस्तों जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप वही खर्चा नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे. सो दोस्तों अभी लास्ट टॉपिक है टाइम. कई बार मैंने देखा है लोगों की, मैं यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग लोगों को देता हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं सर ट्रेनिंग 3-4 घंटे की लंबी हो जाती है, सर 3-4 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. दोस्तों टाइम किसी के पास कम ज़्यादा नहीं होता है. भगवान सबको 24 घंटा देता है, लेकिन ये हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमको 24 घंटों में करना क्या है. कई लोग सोने में टाइम बिताते हैं, कई लोग मूवीज देखने में टाइम बिताते हैं, कई लोग दोस्तों के साथ गॉसिप करने में टाइम बिताते हैं, कई लोग सोशल मीडिया पर टाइम बिताते हैं. दोस्तों मैं भी सोशल मीडिया पर टाइम बिताता हूँ, लेकिन मैं नॉलेज शेयर करने के लिए भी जाता हूँ. और मैं सब और मैं इसलिए बढ़ाता हूँ ताकि लोगों को मेरे थ्रू नॉलेज मिले और मैं किस तरह उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकूँ. दोस्तों टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी. टाइम मतलब आप समझो किसी सेमिनार की आपने टिकट ले ली, लेकिन अगर आप वहाँ गए नहीं, मतलब आपको टाइम भी तो देना है. टाइम देना है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते. आपको सारे फालतू चीज़ें छोड़ के आपको टाइम निकालना पड़ेगा. कई बार मैं आप सब लोग एग्री करते हो, कई बार लोग बोलते हैं टाइम नहीं है. वेस्टेज तो करना चाहता हूँ, लेकिन बोलते हैं टाइम नहीं है. ऐसा सुना है डायलॉग बहुत ज़्यादा टाइम. दोस्तों टाइम किसी के पास कम ज़्यादा नहीं होता. भगवान बहुत दयालु सबको एक मौका देता है, लेकिन ये तो हम लोग हैं जो हम उस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं समझते. हम अपने अपने कामों को, अपने टाइम को छोटे छोटे फालतू चीज़ों में डाल दिया है. दिन भर हम व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन देखते हैं, दिन भर हम फेसबुक जाके देखते हैं किसने मेरे पोस्ट को लाइक किया किसने नहीं किया, दिन भर यूट्यूब पे फालतू वीडियोज़ देखते हैं, कभी कोई फनी वीडियोज़ देखते हैं, कभी कोई जो हमारे लाइफ में कुछ चेंज नहीं लाते तो वो वीडियोज भी देखते हैं. कभी बिग बॉस देख लिया हमने, कभी कपिल शर्मा शो देख लिया. क्या मतलब है यार, आपको जो आपकी लाइफ में चेंज कर सकता है उसमें टाइम दो ना आप. हाँ आपके पास पैसे नहीं है नो डाउट, टाइम तो है, टाइम तो भगवान सबको देता है, तो टाइम आप दे सकते हो. जहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेमिनार हो रही हो, जहाँ पे कोई अभी हमारा वीकली या प्रीव्यू होता है फ्राइडे को, आप वहाँ पे जाके दे सकते हो, तो फ्री रहता है ना. लेकिन लोग वहाँ भी नहीं आते. कमाना सबको है, कमाना अगर बोलोगे ना कि भाई हमको पैसे चाहिए, पैसा सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए जो इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है, एनर्जी इन्वेस्ट करनी है और बहुत सारा पावर इन्वेस्ट करना कोई नहीं चाहता है. और दोस्तों ये इतिहास गवाह है कि बिना इन्वेस्ट के कुछ भी नहीं आता है. एक फसल भी दोस्तों कब उगती पता है, जब हम बीज डालते हैं. तो बीज डालना इज एन इन्वेस्टमेंट. तो जो आप ये इन्वेस्ट करते हो आपको भर भर के आता है. अगर आप अच्छी चीज़ें इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा चीज़ आएगा, बुरी चीज़ों करोगे तो बुरा चीज़ आपको आएगा. और जो बिना इन्वेस्ट के आती है ना घास होती है, घास किसी के काम की नहीं होती दोस्तों. अगर आपको कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ चाहिए तो सबसे पहले यू हैव टू इन्वेस्ट. आपको उस पर पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको टाइम लगाना पड़ेगा. दोस्तों मुझे बहुत बुरा लगता है, कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैं कमाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है. सब चीज़ों के लिए पैसा है. घर में फालतू चीज़ें पड़ी, मैं दोस्तों को लोगों को बोलता हूँ भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो घर में जो फालतू चीज़ें पड़ी वो रिक्स पे जाके बेच दो, क्विकर पे जाके बेच दो, उससे जो पैसा है उससे चीज़ खरीदो. लोगों को वेस्टेज करना है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना है. लेकिन कई लोग तो मेरे पास ऐसे थे 2-3 हज़ार के प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं होते.
कोई बात नहीं भाई, जो चीज यूजलेस पड़ी है उसको बेच के ले लो। सो दोस्तों आई होप मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। फिर से लास्ट बोलना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, वेदर इट में बी नेटवर्क मार्केटिंग, वेदर इट में बी एनी जॉब, इट में बी एनी बिजनेस, इट में बी एनी कंसल्टिंग, किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस होना है, आपको ढेर सारे पैसे कमाने हैं, आपको ढेर सारा नाम चाहिए, आपको ढेर सारा फेम चाहिए, आपको एकदम अच्छी लाइफ जीने, तो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। दोस्तों इन्वेस्टमेंट डरिए मत, क्योंकि ये रिटर्न देता है। सो दोस्तों आज का टॉपिक मैं खत्म करता हूँ। आई होप मैं जो समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आया होगा। छोटे छोटे इन्वेस्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी कैपेबिलिटी, लेकिन इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज सुधीर शुक्ला। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, आगे बढ़िए, जिंदगी में सफल होइए। और अगर मेरे टॉपिक से, मेरी बातों से सीख के अगर आपकी जिंदगी में कोई भी चेंज आता है, प्लीज कमेंट कीजिए मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।